अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की अनदर टू एग्जांपल्स जो के हैं 2.6 एंड 2.7। बच्चों, प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर हमने 2.1 और 2 की, फिर 3, 4 और 5 एग्जांपल की। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो इस प्लेलिस्ट के अंदर वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। बच्चों, इन दो एग्जांपल प्रॉब्लम्स को भी बनाएंगे आसान और आपको ज़रा भी दिक्कत दुश्वारी नहीं होगी इन एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को लर्न करते हुए। पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स की जानेब। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कैन शेयर दिस वीडियो। मैं टेक्स्ट बुक से रीड करता हूं एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2.6, पीटीबी पेज है 38। और इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम में कहता है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ पासिस थ्रू अ पॉइंट पी ऑफ अ बॉडी हूज पोजिशन वैक्टर इन मीटर्स इज आई हैट माइनस 2j हैट प्लस k हैट। If F vector is equal to 2i hat minus 3j hat plus 4k hat in newtons, determine the torque about the point A whose position vector in meters is 2i plus j plus k। इस स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से समझिएगा, सॉल्व करते हुए ज़रा भी आपको मुश्किल नहीं होगी। स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सीन कुछ उस तरह से है, क्योंकि ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम टार्क वाले टॉपिक के वेरी नेक्स्ट है, तो इसमें टार्क का कॉन्सेप्ट है, हमें टर्निंग इफेक्ट मालूम करना है, हमें टार्क मालूम करना है। कैसे? कहता है एक फोर्स है जो एक पॉइंट पे लग रही है, एक फोर्स जो एक पॉइंट पे लग रही है, वो पॉइंट कैसा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पॉइंट का नाम है पी, कोऑर्डिनेट्स हैं आई हैट माइनस 2j हैट और साथ में है प्लस k हैट। ये उसके उसकी पोजीशन है। यहाँ क्या लगने लगी है फोर्स, इस जगह पे फोर्स लगने लगी है जो इसे टर्न करेगी, रोटेट करेगी। जबकि इसका जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है वो है a जगह पे, a पॉइंट पे, इससे हट के कहीं। और उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है 2i हैट प्लस जे हैट प्लस के हैट। ये है एक्सिस जिसके गिर्द इस बॉडी ने रोटेट करना है। टार्क वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगी ये फोर्स, इस पॉइंट पे लग के एक्सिस से परे हट के ये फोर्स लगेगी। और ये हम जानते हैं जिस जगह पे फोर्स लगती है उस जगह का नाम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है, उसका नाम उसने पी दिया है। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है एक्सिस तक के फासले को मूवमेंट आर्म कहा जाता है, मूवमेंट आर्म कहा जाता है। अगर मैं इस जगह को, इस पॉइंट को क्या मान लूँ, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए R2 है, इस जगह का, इस पॉइंट का नाम R1 है, और इसका मतलब हमें R चाहिए और फोर्स उसने खुद दी हुई है। R और F पता हो तो आसानी से क्या फाइंड हो सकता है, टार्क मालूम हो सकता है। टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, 9th क्लास यूनिट नंबर 4 में पढ़ा। और यहाँ हमने इसी एग्जांपल प्रॉब्लम के पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा टार्क का, उसमें हमने पढ़ा, क्या पता चला कि पोजीशन R2 उस पॉइंट की जहाँ पे फोर्स लग रही है वो दी हुई है P से, और पोजीशन जिसके गिर्द ये बॉडी घूम रही है वो R1 है। पोजीशन उसकी दी हुई है पोजीशन वेक्टर दिए हुए। कैसे पता चला पोजीशन वेक्टर्स हैं, हमने पोजीशन वेक्टर्स से रिलेटेड एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी। पोजीशन वेक्टर्स की निशानी है कि आई हैड जे हैड के हैड के साथ होते हैं। ये आपके पास मैग्नीट्यूड 1 आई हैड माइनस 2 जे हैड प्लस 1 के हैड, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है किस पोजीशन पे, किस पोजीशन के अक्रॉस इसने क्या करना है, घूमना है। तो मैं यहाँ से जो डेटा लिखूँगा बच्चों, मैं कोशिश की आपको ये चीज़ें समझ आएँ। तो अब आप देखिए हमें जो डेटा मिलता है यहाँ से वो क्या डेटा है, बताइए बच्चों क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। एक चीज़ जो मिल रही है वो क्या है जी, पोजीशन वेक्टर जो उसने मुझे दिया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर क्या नाम देंगे, R2 वेक्टर, और उसकी वैल्यू है माइनस आई हैट माइनस 2j हैट प्लस k हैट। फिर जिसके
गिर्द इसने घूमना है, उसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है आर वन, उसकी वैल्यू है टू आई हैट प्लस जे हैट प्लस के हैट। अब इस पोजीशन वेक्टर और इस पोजीशन वेक्टर के दरमियान जो परपेंडिकुलर फासला होता है उसे कहा जाता है मोमेंट आर्म। ये मूवमेंट आर्म मालूम करना, और ये मूवमेंट आर्म कैसे मिलेगा, अगर फाइनल पोजीशन वेक्टर में से क्या माइनस कर दिया जाए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइनल कर दें, इस पोजीशन में से ये पोजीशन माइनस कर दें, तो हमें इन दोनों के दरमियानी फासला पता चलेगा, इन दोनों के दरमियान कितनी वैल्यू बन रही है उस वेक्टर की, इस फासले की कितनी वैल्यू है वो आपके पास वेक्टर की शक्ल में आ जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू फाइंड करनी है तो टिप में से टेल वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये एक्चुअल लेंथ आ जाएगी, मूवमेंट आर्म आ जाएगा। इसका मतलब मुझे, मैं ये दो चीज़ें दी हुई थी, एक और चीज़ है फोर्स भी दी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहाँ पे लग रहा है वो, उसकी वैल्यू उसने दी थी टू आई हैट माइनस थ्री जे हैट प्लस फोर के हैट इन न्यूटन्स, ठीक है। और जबकि जो डिस्टेंस है, ये वैक्टर्स हैं, पोजिशन वैक्टर्स, ये मीटर्स के अंदर हैं, ये वैल्यूज़ दी है बच्चों। आइए अब इसे हल करते हैं। तो कैसे हल करते हैं, टू फाइंड लिखेंगे, मालूम क्या करना है, मालूम करना है टॉर्क, जिसे टाउ साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा है, टॉर्क वाले टॉपिक में, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, आपके पास उसकी कीमत भी गिवन है। अच्छा बच्चों, मिसिंग क्या है हमारे पास, जो वैल्यू मिसिंग है वो मिसिंग है हमारे पास मोमेंट आर्म, जहाँ जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है और जहाँ फोर्स लग रही है, फोर्स की वजह से घूम रही है, इन दोनों के दरमियानी फासला नहीं पता, तो वो टिप माइनस टेल है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है। इसका मतलब आर किसके बराबर है, आर टू माइनस आर वन। आर टू कितना है बच्चों, ये लिखिए, आई हैट माइनस टू जे हैट प्लस के हैट माइनस, अंदर क्या आएगा, आर वन टू आई हैट प्लस जे हैट प्लस के हैट। माइनस साइन क्या करेगा बच्चों, माइनस साइन सारी वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देगा, जो जो प्लस वाली है वो माइनस में हो जाएंगी और माइनस के। बताइए, आई में से आई माइनस तो क्या बचा, आई में से टू आई माइनस तो माइनस आई, माइनस टू जे माइनस थ्री जे प्लस के माइनस के, ये कट गए, ऐसे लिख दीजिए ज़ीरो के। ये आपके पास क्या आ गया, मूवमेंट आर्म आ गया, और फोर्स आपके पास पहले ही थी। टॉर्क मालूम करने के लिए हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू, तो लिख लेते हैं टू आई थ्री जे प्लस फोर के, और आर का जो जवाब आया वो भी लिख लीजिए, कितना आया है, माइनस आई माइनस थ्री जे प्लस ज़ीरो के। जी, टॉर्क का क्या फार्मूला है, आर क्रॉस एफ, और ये आर क्रॉस एफ कैसे डिटरमिन होता है, डिटरमिनेंट से हम इसे हल करेंगे। और डिटरमिनेंट क्या है, सबसे पहले मैं इसे क्लियर लिखता हूँ, पहले आई हैड, फिर गैप से जे हैड, फिर गैप से के हैड, फिर सबसे पहले किसकी कीमतें, आर की कीमतें, फिर एफ की कीमतें। आर की कौन सी कीमत पहले, आई के नीचे आई की कीमत माइनस वन है, जे की कीमत जे के नीचे जे की कीमत माइनस थ्री है, और के की कीमत के नीचे के की कीमत। ये आर की बारी ख़त्म होगी। अब किसकी बारी, एफ की, क्योंकि आर पहले था तो आर की वैल्यू पहले, एफ बाद में है तो एफ की वैल्यूज़ बाद में। एफ की पहले आई वाली वैल्यू आई के नीचे, जे वाली वैल्यू जे के नीचे, और के वाली वैल्यू के नीचे। अब इसे खोलना अक्सर काम है, जब इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले आई हैट आएगा, ये टर्म्स कैंसिल, पीछे क्या बची, इसको क्रॉस करके खोलिए, लेफ्ट से राइट, माइनस थ्री फोर्स आर माइनस ट्वेल्व, माइनस थ्री ज़ीरोज़ आर प्लस ज़ीरो, क्योंकि यहाँ माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, ज़ीरो प्लस करें माइनस करें, एक ही बात है। आगे नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, जे जे की बारी, जे की जे का कॉलम कैंसिल, जे की रो कैंसिल, इसका मतलब पीछे क्या बचा, जे के साथ माइनस होता है तो क्या बचेगा पीछे बच्चों, एक टर्म दो तीन चार, ये टर्म बची, इसका कॉलम भी कैंसिल, इसकी रो भी कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, माइनस वन, फोर से मल्टीप्लाई तो माइनस फोर, ज़ीरो टू से मल्टीप्लाई तो माइनस ज़ीरो। आगे किसकी बारी बच्चों,
ठीक है, ये आप ऐसे नहीं करेंगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। के की बारी, तो के की रो कैंसिल, के का कॉलम कैंसिल, पीछे क्या बचा क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। माइनस वन इंटू माइनस थ्री के प्लस होता है, क्या आएगा यहाँ लिख देता हूँ, के की कीमत प्लस में होती है, क्या आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री, और ये माइनस दरमियान में पड़ा होता है, तो माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स आना था, और माइनस साइन फार्मूले का तो क्या बन गया प्लस सिक्स। बच्चों रिजल्ट क्या आ गया, माइनस ट्वेल्व आई हैट माइनस माइनस प्लस फोर जे हैट, और माइनस प्लस सिक्स प्लस थ्री नाइन ये के हैट। ये आंसर आ गया आपके पास टार्क का, जो कि प्रोड्यूस हुआ इस फोर्स की वजह से जो इस पॉइंट पे लग रही थी, और ये इसका एक्सिस था ए पोजीशन पे, ये रहा टार्क का आंसर। इज़ इट क्लियर बच्चों? पहले हमने मूवमेंट आर्म ढूंढा, और मूवमेंट आर्म कैसे ढूंढा, जिस जगह फोर्स लग रही थी और जिसके अक्रॉस, मतलब एक्सिस के अक्रॉस बॉडी ने घूमना होता है, एक्सिस के गिर्द घूमना होता है, इन दोनों के दरमियान फासला मालूम करना था, और वो कैसे निकला, फाइनल पोजीशन, पोजीशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वैक्टर माइनस किया आर निकला, आर को हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया किसके साथ, फोर्स के साथ, और वो कैसे ओपन हुआ वो हम जानते हैं किसे, डिटर्मिनेंट के ज़रिए से ओपन करेंगे। ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास। और यूनिट क्या होगा बच्चों? शुरू में उसने कहा था फोर्स न्यूटन में और डिस्टेंस मीटर में, तो रिज़ल्ट किस में आएगा, न्यूटन मीटर्स। ये है एग्जांपल प्रॉब्लम 2.7। हाँ जी, ये है एग्जांपल प्रॉब्लम 2.6। अच्छा तो बच्चों अब बात करते हैं एग्जांपल प्रॉब्लम 2.7 की। फिगर वाली एग्जांपल प्रॉब्लम है, आ सकती है एग्जाम्स के अंदर, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, आ सकती हैं फिगर्स वाली, जितनी एग्जांपल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, बोर्ड के अंदर आते हैं। पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, अ लोड इज सस्पेंडेड, एक वजन को लटकाया गया है बाई टू कॉर्ड्स, दो रस्सियों के साथ, एज शोन इन फिगर, तस्वीर में दिखाया जा रहा है। डिटर्मिन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट पॉइंट पी, बताइए कि वो मैक्सिमम लोड, वो मैक्सिमम वजन जो कि पॉइंट पी पे लटकाया जा सकता है, इफ़ मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द कॉर्ड यूज इज 50 न्यूटन। अगर रस्सियों की मैक्सिमम टेंशन, मतलब ब्रेकिंग टेंशन, टूटने की लिमिट, हद जो है वो 50 न्यूटन है, तो बताइए कितना ज़्यादा से ज़्यादा पी पोजिशन पे हम लोड हैंग कर सकते हैं। दो रस्सियाँ थी, उन पर 50 न्यूटन उनके अंदर बर्दाश्त की हद थी, अब बताइए पी पोजीशन के ऊपर जब लोड लटकाया तो उन्होंने 50 से क्या ज़्यादा न्यूटन लोड को उठाया, या 50 से कम न्यूटन लोड उठा पाई वो दो रस्सियाँ। तो आइए देखते हैं फिगर के मुताबिक हम करते हैं जैसे उसने फिगर बनाई है। ये देखिए जी, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये आपके पास एक सपोर्ट है जिसके साथ दो रस्सियाँ कुछ ऐसे हैं, ये हैं जी दो रस्सियाँ, दो कॉर्ड्स हैं, इनके साथ एक लोड, एक वज़न हैंग किया हुआ है। ये बच्चों पहली कॉर्ड है, इसके अंदर टेंशन T1 है, ये दूसरी कॉर्ड है, इसके अंदर टेंशन T2 है। यहाँ जो जाविया है वो गालबन 20 डिग्री है, और यहाँ जो जाविया है वो गालबन इसके साथ सपोर्ट के साथ जाविया 60 डिग्री है, और इसने अलहदा से इसकी तस्वीर बनाई हुई है। नीचे उस डायग्राम को भी देख लीजिए, वो तो किस इस तरह से है कि ये यहाँ पे एक फोर्स ये 20 डिग्री का जाविया बनाते हुए, और एक फोर्स है, एक टेंशन है जो कितने का जाविया है, 60 डिग्री का जाविया बनाते हुए टेंशन है रस्सी के अंदर, कॉर्ड के अंदर। तो देख लेते हैं, यहाँ पे जाविया 20 डिग्री है, यहाँ उसने जाविया बनाया होगा 60 डिग्री, ये टेंशन 1 है, ये टेंशन T2, और इस जगह हमने जोड़ डाल के इन दोनों रस्सियों का, और यहाँ पे हमने क्या हैंग कर दिया है, एक लोड, एक वज़न लटका दिया है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है। कहता है कितना मैक्सिमम लोड इस पॉइंट पी पे ये दोनों रस्सियाँ बर्दाश्त कर सकती हैं, जबकि इन दोनों की ब्रेकिंग टेंशन कितनी है, 50 न्यूटन है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुल मिला के इस फिगर के अंदर कितनी फोर्सेस हैं, अगर आप देखें जी कुछ ऐसे ही है, टेंशन जाके यहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है,
अच्छा बच्चों, इस फिगर के अंदर हमारे पास आपको कितनी फोर्सेस नज़र आ रही हैं? टोटल कुल मिला के 3 फोर्सेस हैं। एक टेंशन T1 इस रस्सी में, इस कॉर्ड में अपवर्ड, एक टेंशन T2 इस कॉर्ड में अपवर्ड, और एक वेट फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड आपको नज़र आ रही है। हमें इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व कैसे करना है? हम जानते हैं हर फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। आइए इन फोर्सेस के भी क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेते हैं। T2 जो है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये कौन सा बनेगा, इसका x कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, और ये कौन सा बनेगा, y कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। तो बताइए ये क्या आएगा, T2x, और x की वजह से कौन सा थीटा आता है, कॉस ऑफ थीटा। ये क्या आएगा, T2y, और y की वजह से क्या आएगा, T2 साइन ऑफ थीटा। आइए इधर की बात करते हैं। टेंशन 1 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, ये अलोंग x एक्सिस T1x, T1 cos of theta, और ये कौन सा इसका T1y, और T1y की वजह से कौन सा theta, sin of theta। आइए ज़रा यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस हैं, तीन हैं, तीनों फोर्सेस के x कंपोनेंट जमा करते हैं। हमें यहाँ इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन अप्लाई करनी है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो गिवन है, पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा मुझे क्या नज़र यहाँ से आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है एक एंगल T1 विद एंगल, पहली जो स्ट्रिंग है, सॉरी ये आपके पास T1 विद एंगल कितना है 60 डिग्री, T2 विद थीटा 20 डिग्री, एंड लोड इज हैंगिड, और लोड इज हैंगिंग, और लोड इज़ हैंगिंग विद बोथ ऑफ दीज कॉर्ड्स, इन दोनों रस्सियों के साथ लोड जो है हैंग हुआ हुआ है। मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन जो उसने बताई है इस एग्जांपल के अंदर, वो लिख लीजिए, ब्रेकिंग टेंशन उसने कहा था वो कितनी है, उसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। ये कुछ डेटा मुझे यहाँ से पता चलता है। मैंने मालूम करना है लोड जो पॉइंट पी पे ये मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकती हैं, उस वेट की कीमत मालूम करूंगा मैं, लोड वेट मालूम करना है। अच्छा जी, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पहली शर्त लगाऊंगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्स कंपोनेंट, सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का मजमूआ किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और आप जानते हैं पहली कंडीशन की ही दूसरा हिस्सा ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस वाई कंपोनेंट, द सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। ऐसे कह लीजिए, सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स का मजमूआ 0, सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का मजमूआ 0, पहले ये लगाइए। अब बताइए मुझे, यहाँ पे तीन फोर्सेस का जिक्र हुआ था, T1, T2 और वेट, आगे उनके हर दो कंपोनेंट्स के बन गए, क्या वेट के कोई कंपोनेंट बने, वेट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका तो एक्स कंपोनेंट है ही नहीं। इसका मतलब कुल मिला के कितनी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट है, दो फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट है, एक T1 का और एक T2 का। अब गौर करिए कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, एक इस तरफ तो एक इस तरफ। गौर करिए, इसका ये कंपोनेंट इस तरफ और इसका ये कंपोनेंट इस तरफ, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। हमने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर के अंदर, राइटवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ जो सम ऑफ फोर्सेस के अंदर जो पहली आएगी वो आएगी T2 cos of theta, माइनस क्या आएगा, T1 cos of theta is equal to 0। ये फोर्स पॉजिटिव और ये फोर्स नेगेटिव, T2 cos of theta पॉजिटिव है, T1 cos of theta नेगेटिव है। ये दोनों किस तरफ हैं, x एक्सिस की तरफ हैं, एक पॉजिटिव x की तरफ, एक नेगेटिव x की तरफ, समीशन 0। बताइए ज़रा cos कितना है T2 का, T2 का cos है 20 और T1 का cos कितना है 60, और समीशन किसके बराबर, 0 के। इस तरह से कर लीजिए, क्या बचेगा, T2 cos 20 is equal to T1 cos 60। ये माइनस वाली रकम उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब क्या होगा, T2 cos of 20
ओवर कॉज ऑफ 60 इज इक्वल टू टी वन. कॉज ऑफ 60 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दीजिए. ये किसका आंसर आएगा, ये आपके पास इस तरह सीधा करके लिख लें इस इक्वेशन को, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी टी वन इज इक्वल टू टी टू इंटू कॉज ऑफ 20 ओवर कॉज ऑफ 60. अगर ये आप कॉज 20 मालूम करके कैलकुलेटर से उसे कॉज 60 से डिवाइड करेंगे, देन आंसर विल बी 1.88. 1.88 ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है मेरे पास. ये इक्वेशन क्या बता रही है कि टी वन की जो कीमत है टी टू से 1.88 टाइम्स ज़्यादा है. टेंशन वन जो है, जो पहली रस्सी के अंदर तनाव है, खिंचाव है, वो टी टू से 1.88 टाइम्स ग्रेटर है. जैसे 2 टाइम्स होता है, जैसे 3 टाइम्स होता है, ऐसे ही कितने टाइम्स है, 1.88 टाइम्स. यहाँ से साबित ये हुआ कि टी वन ग्रेटर है किससे, टी टू से. टेंशन वन टेंशन टू से ग्रेटर है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ टेंशन वन किसके बराबर है, 50 न्यूटन के. यहाँ से हम टेंशन वन असाइन कर देते हैं कि इस डोरी के अंदर, इस कॉर्ड के अंदर जो टेंशन है वो 50 न्यूटन है. तो बताइए ज़रा, अगर इसमें टेंशन 50 न्यूटन है, इस रूल के मुताबिक कि टी वन की वैल्यू टी टू से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कितनी बेयर कर रही है टेंशन, 50 न्यूटन. तो बताइए टी टू की कीमत कितनी आएगी, वो आपके सामने आ जाएगी. कैसे, यहाँ पुट करके देख लीजिए. क्या पुट करके देख लीजिए, यहाँ पुट करिए 50 T2 into 1.88 और T2 का आंसर आएगा 50 over 1.88 and result will be T2 का आंसर आएगा 26.6 न्यूटन. इस डोरी के अंदर, इस रस्सी के अंदर कितना खिंचाव है, कितने न्यूटन, 26.6 न्यूटन. जबकि इस रस्सी के अंदर जिसका जाविया 60 डिग्री था एक्स एक्सिस के साथ, उसमें खिंचाव कितना है, उसमें फोर्स कितनी लग रही है, टेंशन कितनी है, वो है 50 न्यूटन. अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि टेंशन वन टेंशन टू से ग्रेटर है, कितनी है, 50 न्यूटन है, तो दूसरी कितनी होगी, 26.6 न्यूटन. हमें क्या मालूम करना है, हमें वो वेट मालूम करना है जो पॉइंट पी पे एक्चुअली वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लोड जो एक्ट कर रहा है, वो कैसे फाइंड होगा. फर्स्ट कंडीशन का ही दूसरा हिस्सा जो कहता है हमें सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स का मजमूआ किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, उसे यूज़ करते हैं. उसे यूज़ कैसे करेंगे, आइए इसे इरेज कर देता हूँ इस डायग्राम को. अब आप जानते हैं कि मैं अगर इसे अलहदा से ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स थी, इसका ये एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट, वेट इज़ आल्सो वर्टिकली डाउनवर्ड. तो अगर मैं बात करूं किसकी, एक ये अपवर्ड और ये किस तरफ, डाउनवर्ड. ये क्या है, F1y, ये क्या है T1y, ये क्या है T2y, और ये रहा W. तो क्या है फर्स्ट कंडीशन का दूसरा हिस्सा के सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स के मजमूआ किसके बराबर है, 0, पहली फोर्स, दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स, वाई कंपोनेंट क्या है, T1y प्लस T2y, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस टेकन एज नेगेटिव. ये है डाउनवर्ड, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, तो सबका मजमूआ किसके बराबर, 0. y की वजह से क्या आया था, साइन, और T1 का साइन कितना था, 60. इसकी जगह क्या आएगा, T2 साइन, इसका जाविया कितना था, 20, और कितना था, 60. जी पुट करिए, और माइनस W इक्वल टू 0. माइनस W उधर जाके प्लस हो जाएगा. T1 की कीमत आपके पास है 50 साइन 60, T2 की कीमत कितनी है, 26.6 न्यूटन ज़रब साइन 60 किसके बराबर आ गया, माइनस W उधर जाके प्लस. इसको कैलकुलेट कीजिए एंड आंसर विल बी 52 न्यूटन. 50 को साइन 60 से ज़रब करिए, जमा 26.6 को साइन 60 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, T1 का साइन 60 था और T2 का साइन 20 था. ये आप यहाँ पुट करना, आपके पास आंसर आएगा. इसका मतलब पॉइंट P पे जो वेट लोड जो हैंग हुआ है वो है 52 न्यूटन. ये थी एग्जांपल प्रॉब्लम 2.7. आज के लेक्चर में हमने 2 एग्जांपल प्रॉब्लम्स कवर की, 2.6 और 2.7. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. हाज़िर होंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 एग्जांपल प्रॉब्लम्स के साथ.
चैप्टर भी जल्द हम आगाज़ करेंगे इस चैप्टर का। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।